तो की हाँ और आज हम बात करने वाले ध्रुव राठी तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कल ध्रुव राठी और, और भी कुछ यूट्यूबर्स में एक डिबेट चालू हो गया exactly कल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक सोशल मीडिया पॉलिसी रिवील किया गया था जहां पर लिखा गया था कि बड़े इन्फ्लुएंसर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के हो ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब उनको अपने फॉलोअर्स के बेसिस में पहला क्वेश्चन इसमें ये है क्या ये पॉलिसी एक्चुअल में फ्लैश आउट रूप से विद ऑल इट्स पॉइंट्स पॉइंटर्स जितने भी फैक्टॉइड्स फीचर्स जो भी टर्म हो टर्मिनोलॉजी है करेक्ट बट मेरा कहना मतलब लिया जितने भी एलेबरेट और ढंग से पॉइंटर्स हैं उस वे में रिलीज कर दी गई है ताकि इसको इंसान ढंग से पढ़ पाए इंस्टेड ऑफ कोई मीडिया रिपोर्टिंग के द्वारा मैं पढ़ पढ़ाऊँ जहाँ पे कि देर इज अ होल लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीडिया जिनको लग रहा है कि रिपोर्ट क्या है सो बट आई मीन इज कि लेट्स से आठ लाख मिलेंगे एबीसी को और पनिशमेंट है एक्स वाई जी को पनिशमेंट किस प्रिसाइस बेसिस पे है उसके टेनेट्स क्या है एग्जैक्टली exactly मटीरियल है क्या डिफाइन कैसे किया जाएगा डेफिनेशन क्या है चीजों की फर्स्ट पार्ट चलो मुझे समझ सकता हूं कि आठ लाख रुपए तुम्हें तो मिलेंगे जो भी सक्सेस होंगी सरकार की पॉलिसीज की उनको तो मैं प्रोमोट करना है ऐड करना है समथिंग लाइक दैट राइट ऑन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स मंथली मैक्सिमम मंथली पे रेंजिंग फ्रॉम टू टू एट लाख फॉर अकाउंट होल्डर्स ऑपरेटर्स बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स आल्सो एम्स टू एनकरेज द डिस्प्ले ऑफ विडियो ट्वीट पोस्ट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स फर्स्ट आई थिंक बिकॉज में मॉनिटरी बेनिफिट है एंड यहां पर हम सिंपल साइकोलॉजिकल ग्राउंड चीजों को देखते हैं अ अर पीपल जो कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जिनके बहुत बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स चल रहे हैं उनको होगा कि ओके एक श्रोत ऑफ इनकम हमें मिल सकती है सरकार के द्वारा बहुत सारे लोग जो कि शायद जिस भी तरह कंटेंट भी डाल रहे हैं ये भी डाल रहे हैं जैसे कि वन मिलियन फॉलोइंग है उसको ये चीज से फर्मी पड़ेगा उसको लगेगा हाँ जस्ट फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम तो उससे क्या होगा प्रचार हो रहा है चलो ठीक है दूसरा ये पैसा ऑल्सो टैक्स पेयर मनी है

YouTube पे Twitter पे जब पोस्ट कर रहे होंगे और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अच्छा ये उस पॉलिसी से है तो एक ट्रांसपेरेंसी है तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दो चीजों पे आता है पहला इसकी एफिकेसी क्या हो जाएगी अगर हमारा गोल है कि यार हमारी पॉलिसीज़ को हमें स्प्रेड करना है राइट हमारा गोल यह ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए हम इनको इंसेंटिव दे रहे हैं ओके लेट्स से सरकार का गोल ये है क्योंकि पैसा मोटिवेशन आ गया है इंसान इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा क्योंकि मैं खुद से रिसर्चर हूं मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है करने में इसलिए देखना चाहती है और उनको मैं बता रहा हूं बेनिफिट्स हैं एक ये हो गया वहां पे आई थिंक इट वर्क्स वन हंड्रेड अगर उस इंसान को आप इंसेंटिवाइज भी कर रहे हो बट देर इज लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल जो ये काम नहीं कर रहे थे

उसकी एक वैल्यू है क्योंकि आपके अंदर एक ट्रस्ट चीज आती है क्योंकि रिसर्च का एक जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है सालों साल डे उसमें बहुत भयंकर लेवल पे स्टेटिस्टिकल एक्यूरेसी या स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पाने की भी जो कोशिश है वो इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन भारी मात्रा पे सही है यहां पे जब वो ट्रस्ट नहीं है इंसान का वो देख रहा है कि अरे ये स्रोत पे मैं क्यों ट्रस्ट करूं और ये श्रोत अब ये जो पोस्ट कर रहा है वो आर इसलिए रहा है क्योंकि इसको पैसा कमाना है इसको पैसा मिल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफिकेसी का ऑडियंस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये एक्चुअल में हमारी जो इंटेंशन है क्योंकि इंटेंशन है सरकार की कि ये अवेयरनेस से कॉज करता है हमारी जो भी स्कीम्स है उनकी सक्सेस पे बट क्या क्योंकि हमने मोटिवेशन डाल दी है पैसा इंसेंटिव डाल दिया है पैसा तो वो ऑडियंस की मोटिवेशन टू एक्चुअली लर्न को निगेट कर देता है ये सब हम साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं

रीजनिंग की कोई भी डायलॉग में क्लैरिटी फंडामेंटल है तो अगर हम बात करें ऑप्शीन की वट डज दैट मीन क्या हम बात कर रहे हैं गालियां देने की तो अगर हम वर्ड कर देते हैं कि गालियों का प्रयोग तो सारे स्टैंड अप कमेडियंस का ऑलमोस्ट धंधा बंद हो गया कैरिमिनाटी का धंधा खत्म अगर हम ऑप्शनिटी में कर रहे हैं जो मिड बॉडी है उसको तुम ले परसेंट ही कवर करके बैठे हो तो उस हिसाब से कितने लोग के धंधे बंद हुए जो कि के अंदर आ जाएगा सिमिलरली अगर आपका मिड रे दिख रहा है तो वो ऑप्शीन है कितने लोग धंधे गए आप अपने दिमाग में काउंट कर सकते हो लेट से आप इस पोजिशन में कॉन्टेंट डाल रहे हो जहां पे आपके प्राइवेट पार्ट का डिस्प्ले हो रहा है इवन दो वो कवर्ड है बट वो एक्सेंचुएटेड है पता कितने लोग का धंधा बंद हुआ से आप अगर डांस कर रहे हो लेकिन उसमें जो मूवमेंट्स हैं वो जायरेटिंग हैं और वो सिमुलेट कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को सिमुलेशन है जैसे कि ट्वर्किंग होगा एग्जाम्पल तो बताओ कितने लोगों का धंधा बंद हुआ एंटी नेशनल के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आएंगी स्पेसिफाई करना मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पूरा वो चीज रिलीज कर दी है जिसमें सब चीजों का पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिवली मैंशन है एक एक पॉइंट की वॉट डज दिस थिंग मीन क्योंकि तो इस इसमें भी डिबेट होगी अच्छी खासी डिबेट होगी जाता है ऑब्जेक्शनेबल टू होम ऑब्जेक्शनेबल टू होम यू नो ऑब्जेक्शनेबल टू द गवर्नमेंट ओके ऑन वॉट ग्राउंड वॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑब्जेक्शनेबल मॉरल मॉरली इंसान ऑब्जेक्ट कर रहा है बहुत बहुत डीप चला जाएगा ये ओके सोशल मीडिया ऑपरेटर्स बेसिकली इन्फ्लुंसर्स फर्म्स एंड एजेंसी इफ ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट इज अपलोडेड या फिर ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट लीगल एक्शन भी ले सकती है अब जैसे ही वाला पॉलिसी अनाउंस हुआ है काफी बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया ध्रुव राठी इसको क्रिटिसाइज करते हुए ये पोस्ट की है you... यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि वो लोग टू तो आठ लाख रुपए पर मंथ पे करने को तैयार तो तो है गवर्नमेंट ब्राइबरी है दुनिया को बता के कोवर्टली कि आप अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप उस पॉलिसी में पार्टेक कर रहे हैं जिसको समाज दुनिया कंज्यूमर ऑडियंस देख के खुद से कैपेसिटी रखेगी जज करने की कि उसको एनालिसिस को रिस्पेक्ट करना है या तुम्हारी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन ये है इसलिए जो भी हमारा ओपिनियन वो ये है ब्राइबरी चीज का एलिमेंट फंडामेंटल एलिमेंट होता है ओवर्टनेस ये होता है ब्राइबरी का चुपचाप उधर किया पीछे से सब काम हो गया तो ब्राइबरी ओवर्टली होती है कोवर्टली नहीं होती मैं अमेरिकन हूं एफ आई एजेंट मेरे घर आते हैं मैंने कोई बहुत मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मैं ट्विटर पर बताऊंगा नहीं ना कि आज एफ एजेंट आए थे मेरे पास जो तुम्हारी जितनी भी न्यूज चल रही है आजकल सुन लो मैं वो इंसान हूं और मैंने इन लोगों को तीन 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 मिलियन दिए हैं नहीं ब्राइबरी का होल पॉइंट यह है कि मैं उनको चुपके से अगर तीन मिलियन देता हूं और हमारा सेटिंग हो रही है तो हमारी को बताना नहीं है किसी को भावना को इसलिए कहते हैं सिस्टम वन थिंकिंग और सिस्टम टू थिंकिंग लाइक हम तुरंत हा हा कूदने के बजाय थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुको ब्रेक डाउन करो आई अंडरस्टैंड द फीलिंग वर एम सेइंग दिस कुड बी फ्रेम्ड मच 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 बेटर एनी इन्फ्लुएंसर हु डज दिस शुड बी पब्लिकली शेम्ड आई डोंट थिंक सो मेरे भाई uh, थोड़ी सी एम्पथी बिकॉज अ लॉर पीपल प्रॉब्ली नीड द मनी सी द क्वेश्चन मोर सो मैं जहां पर पूछूंगा वो है कि इट्स टैक्स पेयर मनी एट द द एंड ऑफ डे सो एज अ टैक्स पेयर वेर डू स्टैंड ऑन दिस डू यू थिंक इट्स अ गुड यूज ऑफ योर मनी That's up to you to decide. You are a citizen, you should form your own opinion. I wouldn't say any influencer who does this should be publicly shamed because that's a very scary thought. It's a very scary thought. Any influencer who does this overtly should be shamed. I would agree with you. A person who all this while that I am independent analysis, kar raha I am not funded by any parties behind me. यह इंसान ओपनली पैसा ले रहा था डिस कोवर्टली हो रही है कुछ छुपा नहीं है एंड मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं प्लीज इसको इकोनॉमिक से पॉइंट देखो और यार अगर दो लाख मेरे को मिल रहे हैं महीने के और मैं let's say, लखीमपुर में रहता हूं या कहीं पे भी रहता हूं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें दो लाख फॉलोअर्स हैं जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर रहा हूं दो लाख रुपए के लिए पर महीनाटली हो सकता कह रहा हूँ बराइबरी so नहीं हो रही यू मे सेक्ट दिस पीपलियन और सेकंड पीपल कैन से दैट यारैसा का इस्तेमाल हो रहा है सरकार जो कर रही है मैं डिसग्री करता हूं इससे एंड थर्ड चीज यही आती है जो मैंने बहुत पहले बात करी थी डिस इवन सर्व द पर्प दैट जो सरकार सोच रही है अपने दिमाग में ऑफ अवेयरनेस डिस इवन सर्व द पर्पज बिकॉज एक्सप्लिस कर रहा है इंसान तो ऑडियंस कंज्यूमर सब साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है साइन अप करता है देड बी पब्लिकलीमड तो इसके नीचे एक पर्सन ने उनको रिप्लाई किया

The onus of proof falls on the person who makes the claim. So, since she has made the claim, you take bribe from Soros and the gang, she actually has the onus to substantiate that with evidence. So, when I say God exists and don't believe in God, the responsibility to bring the proof is on the person who says God exists. Because so, you claim that God exists. It's your responsibility. You have to prove that God exists. I'm just saying. i get example by example. i am talking about that here. No dog in this race, not involved. Just objectively observing this. And if you prove this, I will stop making YouTube videos forever. Damn. But yeah, let's see. But if prove? Show me a single proof that I took money from Soros, and I will stop making YouTube videos forever.

लाइक यू द अवेयरनेस एग्जिस्ट सो द ओवर्टनेस उसकी एग्जिट नहीं कर रही सो so आप हर चीज़ को शेम नहीं कर सकते बिकॉज वॉट यूर सिंग इज लेट्स शेम एवरी थिंग दैट आई डिसग्री विद यू शेम बिहेवियर दैट इज लेक्चरस दैट इज ट्रीजनस दैट इज डिसीटफुल डिसीट नहीं है इसमें क्योंकि डिसीट वहाँ होती है जहाँ पर छुपाने वाली चीजें होती हैं आपसे आपके साथ फ्रॉड किया गया है क्लेम्स में भी फ्रॉड किया गया है प्रोपोजिशन में फ्रॉड है

आर्गुमेंट को ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करते हैं गवर्नमेंट को प्रमोट करने को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारा हो सकता है. हम देखते हैं say, so, यहां betting, gambling, सब कुछ कर देते हैं तो शुगरी एक्सेसिवली शुगरी ड्रिंक्स को प्रमोट करने में क्या बोल रही है इस आर्ग्यूमेंट में यह अनबेटिंगली इंप्लाय कर रहा है इन्फर कर रहा है कि पहली चीज क्योंकि इतनी खराब है जो की खराब है बेटिंग गैम्बलिंग कलर प्रोडिक्शन द तो ये सेकंड चीज में प्रॉब्लम क्या है तुम इस आर्गुमेंट की फ्रेमिंग में ही कह रहे हो कि सेकंड चीज भी प्रॉब्लमैटिक है थोड़ी सी लेकिन मैं दूसरी चीज अब उसको कम प्रॉब्लमैटिक दिखाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चीज को अटैच करूंगा तो ये बाय कंपैरिजन कम लगेगी इसलिए जो परसेप्शन फॉर्म होगा सुनने वाले का उसको लगेगा हां इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये आर्गुमेंटेशन में फैलसी है आप बाइनरीज के साथ नहीं खेल सकते टू थिंग्स कैन बी रॉन्ग एट द सेम टाइम एज वेल फोर्टीन थिंग्स कैन बी रॉन्ग एंड देर स्टिल रॉन्ग अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट दिस तुम को बहुत स्पेसिफिकली सब चीजें बतानी पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसको पर्सनली ना जोड़ लो अपने बायसेज लेकर लड़ाई ना करने लग जाओ सिर्फ ऑब्जेक्टिवली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का

ज क्लोज टू अलियन सो कैर्स इट एड एक रिपोर्ट आया वेल गाइज वो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक करते ही जा रहे हैं कल उन्होंने एक और रिकॉर्डो टू हिस चैनल ब्रेक कर दियाऑफ बिकमिंग दास्टेस्ट एवर चैनल टू रीच फिफ्टी मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ छे एंड इज अपडिंग लाइक इज वेल बाय द Like crazy and like serious content, मजाक भी नहीं, like YouTube YouTube content he's uploading. ये दिन में वो ये milestone को achieve किया यार. And यार जैसा कि आप देख सकते हैं उनके channel के कुछ ही दिनों के अंदर 320 million plus views हो चुके हैं. The, the surprising thing is this is exactly what is happening to मेरे channel को भी. Like it's growing like crazy यार. मुझे लगता है मैं शायद आई थिंक तीन दिन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड के पास हूंगा तो ऑफ कोर्स पैसा भी वो काफी कमा रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्लेम किया जा रहा है कि वो आराम से मिलियन डॉलर्स तो तो अभी तक कमाए लिए दिन के अंदर अब तो आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया बट वो मोमा है यार टोटल मोमा है स्पेशली रोनाल्डो के लिए उसके बाद जीवन में जो उसको चाहिए सब कुछ है प्रेम है बच्चे हैं और अपने अंदर शांति है वो लड़का खुश है यार थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए भी